मेरे साथ। चलिए सबसे पहले हम पैनकेक बना रहे हैं। सबसे पहले हमें अंडा डालना है, फिर हमें शुगर डालना है, डालनी है फिर हमें मिल्क डालना है आधा कप, और जब जरूरत हुई तो फिर हम बाद में और डालेंगे। अब हमें इसे मिक्स करना है। ऊपर हमें नमक डालना है, एक पिंच सॉल्ट, ठीक है। अब हमें मिक्स करना है इसे, और अब हम ऑयल डालेंगे। कितना डाले आपने? वन टेबल स्पून और हाफ टेबल स्पून। और अब हम फ्लोर डालेंगे, हमने वनीला डालना है, शेक करेंगे, फिर हम इसे खोलेंगे, फिर से इसे शेक करने, मिक्स करने, सॉरी वेल मिक्स वो मैं बेकिंग पाउडर डालना भूल गया था, और हम इसमें 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर भी ऐड करेंगे। तो हमें फिर इसे मिक्स करना है। इसकी कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए, ना ऐसे ज्यादा थिक हो और ना ऐसे ज्यादा थिन हो। करके दिखाएं ना रोक, ये देखिए। हाँ, गुड। फिर एक बार और देखिए, इसमें ऑयल ग्रीस करेंगे। अब आपने इसको बहुत लो हीट पे छोड़ देना है, और आपने इसे छेड़ना नहीं है जब तक इसके बबल ना भर जाएं। बबल भरने के बाद जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि इसके बबल निकल रहे हैं, और अब हम इसे, और मैं आप इसे पलटूंगा। ये है और ये देखिए, हमने इसे पलट दिया। जबरदस्त मेराज, आपने तो बहुत मजे का पैनकेक बनाया। मैंने पहली बार बनाया, लेकिन मैंने बहुत मेहनत से बनाया। प्लेट में रखने वाला हूँ, इसलिए पोर ऑफ मैंने फिर भी रख लिया। ये देखिए, और अब आपको रेसिपी पता चल गई है, और अब मैं और पैनकेक बनाऊंगा और आपको करना मत भूलिएगा।